गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का जो क्लास चल रहा है बहुत ही धमाकेदार क्लास चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं, यहाँ पे जो मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सिर्फ आपके लिए फ्री में क्लास दिया जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी यहाँ मेहनत किया जा रहा है, सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। रात दिन यहाँ मेहनत किया जाता है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। चलिए, हम आपको एक प्रश्न आपको कल बताए थे, इस टाइप का जो प्रश्न है दिया हुआ एग्जाम में देता है तो कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कल लास्ट क्वेश्चन हम जब पढ़ाए थे उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिए थे। चलिए उसी तरह से हम आज इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रहा है यदि ए स्टार बी बराबर दिया हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो यहाँ पे बोला टू स्टार थ्री का मान निकालना है। कहने का मतलब ये टू क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी। अब आपको ए और बी का मान जैसे दे दिया, तब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ए का मान कितना है दो, तो दो का स्क्वायर कितना होता है चार। ए इंटू बी मतलब तीन दूना छः प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन। जब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा, कितना हो गया सॉरी नौ छः पंद्रह चार उन्नीस हो गया, टोटल आपका उन्नीस हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका उन्नीस हो गया। कितना आसान है प्रश्न को सोल्व करना। यहाँ पे ए स्टार बी का जो मान दिया हुआ था, इस मान में हम क्या किए हैं, यहाँ पे टू स्टार थ्री मतलब ए का मान दो और बी का मान तीन दिया है। ए और बी का मान जब यहाँ पे रख दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा उन्नीस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न दे रहा है ए स्टार बी का मान क्या दिया हुआ, टू इंटू ए प्लस बी, आपको इसी का मान निकालना है टू इंटू ए प्लस बी। और ए और बी का मान दिया हुआ, ए का मान कितना दिया हुआ फाइव और बी का मान दिया हुआ टू। आप इस पे इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए ए का मान यदि हम फाइव रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा फाइव प्लस टू टोटल कितना हो गया, देखिए पांच दू सात दूने चौदह, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया चौदह। बिना पेन उठाए भी हम इसको प्रश्न को सोल्व आराम से कर सकते थे। कैसे, यहाँ ए प्लस बी है, ए और बी का मान दिया हुआ है पांच दू सात, सात दूने चौदह, डायरेक्ट चौदह आ गया, इतना लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन आपको हम यहाँ पे समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिखते हैं। ऐसा मत समझिए कि प्रश्न को आप एक लाइन में बना सकते हैं, खुद आप एक लाइन में क्या मन में ही प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाता है कि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी कोई डाउट ना आए आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, सेम क्वेश्चन है, आपको दो स्टेप में इसको सोल्व करना। सबसे पहले आप बताइए यहां पे वन स्टार टू है तो हम इसको मान लेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं दिया है, एक्स और वाई के टर्म में दिया है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको क्या मान लीजिएगा आप वाई मान लीजिएगा। एक एक्स और एक वाई हो गया, हम यहां तक को पहले सोल्व करते हैं। चलिए यहां पे हम वन स्टार टू को सोल्व कर रहे हैं। एक्स का मान वन हो गया, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस y का मान कितना दो, दो का स्क्वायर चार, x इंटू वाई दो गुना एक दो प्लस वन, तो टोटल हमारा कितना हो गया तीन, तीन एक चार, चार आठ। आपको यहां तक का मान कितना निकल गया आठ, तो आपको अब निकालना क्या है, यहां तक का मान आठ हो गया, आठ स्टार तीन, आठ स्टार तीन का मान निकालना है, तो यहां पे लिख दीजिए आठ स्टार तीन, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए यहां पे x का मान क्या निकल गया आपका, x का मान हो गया 8 और y का मान हो गया 3। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 8 स्टार 3, क्योंकि यहां से यहां तक का मान हो गया आपका 8। चलिए ये आपका x हो गया और ये हो गया आपका y। अब x का मान आपको 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है चौंसठ, y का मान आपका कितना तीन हो गया, तीन का स्क्वायर नौ, x इंटू वाई आठ या चौबीस प्लस एक। अब जब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आप बोलिए, टोटल
टोटल जोड़े तो हमारा कितना हो गया 98। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 98 हो गया। कैसे हम इसको सोल्व किए एक बार ध्यान दीजिएगा, अब इतना आपको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे 1:2 है तो x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। जब हम इसमें टर्म में रखें तो हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, x इंटू वाई 2 × 1 + 1। जब टोटल को जोड़िएगा तो हमारा 8 हो गया। आप बताइए यहाँ तक का मान आप 8 निकालें तो 8:3 बचा आपको, तो वही तो लिखे हैं 8:3। जब 8:3 है तो ये हमारा x है, ये y है, फिर से हम इसको रखते हैं तो हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब 3 का स्क्वायर 9, एक्स इंटू वाई 8 × 24 प्लस 1। जब टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 98। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कहीं भी कोई भी समझने में आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलिए, यहाँ पे हम एक भी डाउट आपको नहीं छोड़ना चाहते, कहीं भी कोई भी परेशानी आपको ना हो इसका ख्याल हम हमेशा रखते हैं, इसलिए हम यहाँ फालतू चीज कभी भी नहीं बोलते हैं, आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही हम हमेशा बोलते हैं। इसलिए आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। हमारा हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको बेहतर कंटेंट देने का, आपको बेहतर पढ़ाने का, यही हमारा हाथ में है जो हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आंसर आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे x*y का मान दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले हम इसका काम करेंगे 3*-1 का, सबसे पहले काम करेंगे हम। यहाँ पे a का मान हो गया कितना 3 और b का मान कितना हो गया आपका -1। चलिए इस पे हम इसको सोल्व करते हैं, 3*-1 सबसे पहले इसका हम मान निकालते हैं, a हो गया हमारा a इंटू बी तो -3 हो जाएगा, ऊपर में a प्लस बी यानी कि 3-1 2, इतना आपका मान निकल गया -3/2। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, -3/2 निकल गया तो आप बच गया आपका यहां पे 3*-3/2। अब इसी का मान आपको निकालना है तो यहां पे लिख देते हैं हम 3*-3/2। अब इससे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे लिख दीजिए 3 × -3/2 / a प्लस बी है यानी कि 3 − 3/2 प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा आपको हो जाएगा -9/2 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 3 × 6, 6 में जब 3 माइनस कीजिएगा कितना 3/2 हो जाएगा, -9/2 नीचे वाला क्या था पलट जाता है 2/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका -3। इस प्रश्न का आंसर आ गया, इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया -3 आ गया। कैसे आया एक बार फिर से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या किए, 3*-1 का मान निकाले हैं, a का मान हमारा 3 हो गया, b का मान -1 हो गया। चलिए a इंटू बी मतलब कितना हो गया 3 × -1, 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो -3 होगा, a प्लस बी का मतलब कितना हो गया 3 + -1, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 में 1 माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका मान आपका निकल गया -3/2। जब इसका मान -3/2 निकला और आगे किया है 3, तो 3*-3/2 का मान जब निकाले यहाँ पे सोल्व किए तो -3 आ गया। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपका -3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, ये प्रश्न में कुछ नहीं है, ये सब प्रश्न आप बना चुके हैं पहले। यहाँ पे क्या है 8 का 3/5, तो 8 है का 3/5 दिया हुआ है तथा 333 का 2/3 का अंतर, जब अंतर बोल रहा था यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, कितना है 333 का 2/3, ये तो हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में कैंसिल होगा,
कितना आंसर आ गया 285। क्या किए हैं 845 का 3/5 और 333 का 2/3 का अंतर बोल रहा था, अंतर बोल रहा था माइनस कर दिए, 5 से कैंसिल किए 169 बार में, 169 गुना 3 507 माइनस 333 को 3 से कैंसिल किए 111 हो गया, 111 गुना 2 222 हो गया, जब दोनों को माइनस किए तो 285 इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 * 81 = 82/9। यहाँ पे 82/9 हो गया, में से 3 * 3 = 9 = 2 = 11/3। 11/3 कितना हो गया 3। घटाने पर बोला इसलिए माइनस किए, प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर, यानी कि कह रहा है अंतर मतलब घटाओ दोनों को करने पर, अंतर को कितना से गुना करने का रहा, 450 से गुना करने के लिए कह रहा है। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है इसका मान हो गया 82/9 में 11/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर, इसलिए गुना किए हैं, करने पर प्राप्त क्या होगा आपको बताना है। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आप लोग आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं आपको, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 9 = 82 - 33 49 * 50 कितना होता है, 2450। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। कैसे किए, 82/9 - 11/3 को किए तो हमारा कितना आ गया 49/9, फिर 450 से गुना करना था, गुना कर दिए 450 से, तो हमारा आंसर 2450 आ गया, जो कि इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर। चलिए कितना का अंतर, किसी भी संख्या का, संख्या क्या मान लेते हैं आप, x मान लेते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं, माना संख्या बराबर x, तो हमारा 3x/4 - 4x/7 का अंतर बोल रहा है, तो माइनस कर दिए, अंतर कितना आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, मतलब 100 दिया हुआ है, तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान आपको यहाँ पे निकालना है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप, एलसीएम कितना हो जाएगा 28 - 21x - 7 + 28 = 16x = कितना 100। 21x में 16x माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 5x/28 = कितना 100 दिया हुआ है 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो हमारा x का मान कितना हो गया 28 * 20 कितना हो जाएगा 560। इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। कैसे किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे बोला 3/4 और 4/7 का अंतर 100 है, लेकिन सबसे पहले बोला किसी संख्या का, यानी कि कोई भी संख्या आप यदि x मानेंगे तो x से जब गुना करेंगे 3x/4 - 4x/7 = 100, हम दोनों का सोल्व किए तो हमारा 5x/28 आ गया, 100 दिया, तो हमारा x का मान 560 डायरेक्ट निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, x का मान 2y + 6 हो तो यहाँ पे निकालना है x³ - 8y³ - 36x (y) - 216 का मान निकालने के लिए आपको दिया हुआ है। कैसे निकालिएगा यहाँ पे आप बताइए, x का मान आपको दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे x है उसका हम वैल्यू 2x + 6 रख देंगे। चलिए यहाँ से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, x का मान आपको कितना दिया हुआ है 2y + 6 - 8y³ है
माइनस 36 एक्स इंटू वाई है। एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है, 36 वाई रख देते हैं, एक्स का मान हम यहां पर रख देते हैं 2y+6 माइनस 216। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे एक चीज गलती की है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, x पे पावर q था तो यहां x का जब मान रखें यहां पे पावर q होगा ही होगा और कहीं दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी का q क्या होता है, आपको पता है कि a प्लस बी का q क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। क्या होता है, ए क्यू, यहां पे हम लिख देते हैं a प्लस बी का q क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा, यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी का q। तब ये बताइए, दो पे 2y का q कितना हो जाएगा, 2y का q मतलब हो जाएगा 8y³ प्लस 6 का q 216 प्लस यहां पे 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए इसका मान हम निकाल रहे हैं 3 इंटू ए और बी, ए बी का मान कितना 2y इंटू 6, तो टोटल 6 दुना 12y, 12 + 36y हो गया डायरेक्ट, कितना हो गया 36y इंटू ए प्लस बी यानी कि 2y+6, 36 × 72y² प्लस 36 216y, इतना आपका मान निकल गया 72y² प्लस 216y। चलिए अभी आप क्या किए, 2y+6 का क्यू का मान निकाले तो निकल गया 8y³ प्लस 216 प्लस 72y² प्लस 216y, अभी यहां तक का हम मान निकाले हैं। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे हम सोल्व करते हैं, माइनस 8y³ माइनस 36 × 72y² प्लस 36 × 6 कितना होता है 216y माइनस 216। अब यहां पे देखिए क्या क्या हो रहा है, यदि हमारा माइनस 8y पे पावर q है या प्लस 8y पे पावर q है तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 216 है माइनस में 216 है कैंसिल हो जाएगा, प्लस 216y और यहां पे माइनस 72y² और प्लस 72y² ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, माइनस 36 × 72y², देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कितना होगा 36 × 6 कितना 216y, माइनस 216y होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए थे, अब माइनस 216y और प्लस 216y कैंसिल हो गया, यहीं पे पता चल गया हम लोग गलती कहाँ किए थे, यहाँ पे माइनस कैसे छूटा था, यहाँ पे देखिए माइनस 36 × 2 माइनस 72y², फिर प्लस माइनस माइनस 36 × 6 216y माइनस 216y, ठीक है, अब प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया हमारा। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ ध्यान दीजिए, सब चीज़ हमारा कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आ गया, जीरो। कितना आंसर आ गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे x का मान 2y+6 दिया था, तो जहाँ जहाँ हमको x दिखा वहाँ हम x का मान रख दिए, तो फिर दोनों क्या किए हमारा, x का मान जैसे रखे 2y+6 पे पावर q, तो हमारा 2y+6 का q क्या होता है, a प्लस बी का q क्या होता है, अभी हम यहाँ पे दिखाएं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जब इसको हम सोल्व किए तो हमारा डायरेक्ट आ गया यहां से लेकर यहां तक।
फिर क्या किए हम, माइनस आठ वाई पे पावर क्यू था, माइनस आठ वाई पे पावर क्यू माइनस छत्तीस दूने बहत्तर वाई स्क्वायर माइनस छः चौके छत्तीस चौके दो सौ सोलह वाई माइनस दो सौ सोलह दिया हुआ, बस सब हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, जीरो। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।